हम अभी किलंकर साइलो का जो सेंट्रल टनल है उस टनल में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये हमारा हॉपर का प्लेसिंग है सारा, जो स्लैब कास्टिंग के दौरान हॉपर का ओपनिंग रखे थे तो ये कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे ये गेट मैकेनिकली ऑपरेटेड रहेंगे जिसमें से क्लिंकर नीचे गिरने वाला है। अभी इधर डीपीसी लग जाएगा पूरा जिस पे से ऐसे चलता जाएगा थ्रू आउट, और क्लिंकर यहाँ से नीचे गिरेगा उस हॉपर से, वहाँ से वहाँ से, और ये बाहर निकलता जाएगा। ये स्लोप में टनल का राफ्ट है जो बाहर डीपीसी निकलेगा। डीपीसी डीप पेन कन्वेयर होता है। ऐसी तीन टनल हैं, ये सेंट्रल टनल है, एक राइट साइड में वहाँ टनल है, ये कनेक्टिंग है दोनों टनल के बीच का, और सॉरी सेंट्रल नहीं तो फिर ये लास्ट टनल में खड़े हैं अभी, नहीं तो एक यहाँ भी कनेक्टिंग होती। तो वो सेंट्रल टनल है और उसकी उस तरफ तीसरा टनल है। तो ऐसे तीन टनल हैं पूरा थ्रू आउट इस क्लिंकर साइलो में, और यहाँ से ये ओपनिंग रहेगा, ये ऊपर तक उठ के क्लोज हो जाएगा, तो इधर से सीढ़ी लग जाएगा नीचे आने के लिए। तो ये ओपन ही रहेगा, रनिंग टाइम में भी ओपन ही रहेगा। सामने से देख सकते हो उधर से सीढ़ी है, तो सीढ़ी से उतर के आ सकता है कोई भी इंसान, देख सकता है कि काम कहीं जाम तो नहीं है, चौक तो नहीं हुआ है गेट, या जो भी मेंटेनेंस काम करना है, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये पहला टनल हो गया। यहाँ पे डीपीसी अभी इंस्टॉलेशन का काम चालू है मैकेनिकल का, तो ये देख सकते हैं इस पर कंटिन्यू रेल पर चलने वाला है। ये जो रेल लगा हुआ है इस पर डीपीसी रन करने वाला है। ये डी लिंक का कनेक्टिंग बोलते हैं, ये सेंट्रल टनल में आ चुके हैं। तो ये सेंट्रल टनल है, ऐसे यहाँ पर रहने वाला है। ये हॉपर है, ये जो ऊपर रेड कलर में और ये ग्रीन कलर में दिख रहे हैं सब हॉपर ही हैं। इधर से मैकेनिकली ऑपरेटेड रहेंगे ये, और ये नीचे देख सकते हैं अभी अंधेरा है तो थोड़ा देखने में विजिबिलिटी थोड़ा कम है, और वो उधर तीसरा टनल है। तो ऐसे तीन टनल हैं, तीनों टनल में इसके ऊपर, अच्छा फंक्शन की अगर बात करें, इसके ऊपर जो स्लैब है ये हमारा जीरो लेवल रहेगा। ये जो स्लैब है ये जीरो लेवल रहेगा, मतलब इस स्लैब के ऊपर पूरा क्लिंकर भरा रहेगा, और बाहर से वॉल तो बनी ही है ऊपर, तो अंदर क्लिंकर भरा रहेगा। ये आपका डीपीसी रहेगा, और डीपीसी पे क्लिंकर आएगा, ये गेट खोलेंगे, इधर से देख सकते हैं अभी ये गेट पूरा अभी असेंबल नहीं हुआ है। ये गेट खुलेगा, क्लिंकर जो ऊपर भरा हुआ है वो इस गेट के थ्रू डीपीसी पे गिरेगा। ये डीपीसी कंटिन्यू रनिंग में रहेगी, चलती रहेगी, और ये चलते हुए आगे बढ़ेगी टनल स्लोप की तरफ। ये सब देखिए, ये ऐसे डीपीसी ऊपर की तरफ जाएगी, देख सकते हैं साइड में सीढ़ी रहेंगी, तो मतलब चालू भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे इधर से बाहर निकलेगा। अब बाहर से कैसे जाएगा ये किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।